अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के हवाले से। जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को 1 से लेके 15 तक और इसके अलावा स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स दोनों बता दिए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर रूट के अंदर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 16 का रूट तो मेरे पास प्लस माइनस 4 आ गया, लेकिन अगर मेरे पास 24 रूट में आ जाए तो अब मैं क्या करूँ। अब हम जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन पे। सबसे पहले हम 24 का एलसीएम ले लेंगे। 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6 एंड 3 1 टाइम्स 3। यानी 24 की जगह मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। आप लोगों को पता है कि यहां पे हमारा इंडेक्स होता है, अगर स्क्वायर रूट्स की बात की जाए तो स्क्वायर रूट का इंडेक्स कांस्टेंट है यानी 2 है, जो सबको पता है। तो जब भी किसी वैल्यू में 2 इंडेक्स होता है तो उतने ही नंबर का फैक्टर या पेयर बन के बाहर निकलता है। यहाँ पे अगर इंडेक्स 2 है तो 2 का पेयर बनेगा और 1 2 बाहर आ जाएगा और अंदर 2 टाइम्स 3 बचेगा विच इज 2 अंडर रूट 6, ठीक है जी। लेकिन अगर इंडेक्स जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा आप अपने पेयर की वैल्यूज भी उतनी बढ़ाते जाएंगे। Thank you so much for watching.